नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। अपना उत्तर प्रदेश में खबरों का रुख कर लेते हैं। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि सीबीआई ने अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के प्रमुख महंत नरेंद्र गिरी की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत के मामले में प्राथमिकी दर्ज की है। दिल्ली में आधिकारिक सूत्रों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। जांच की प्रक्रिया शुरू करने के लिए गुरुवार को सीबीआई की 5 सदस्यीय टीम भी प्रयागराज पहुंच चुकी है। बता दें कि ये प्राथमिकी तब दर्ज की गई थी जब उत्तर प्रदेश सरकार ने नरेंद्र गिरी की मौत की सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। बता दें 72 वर्षीय महंत सोमवार को बागम्बरी मठ स्थित अपने कमरे में मृत पाए गए थे। प्रारंभिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि महंत नरेंद्र गिरी की मौत दम घुटने से हुई है। ऐसे में उत्तर प्रदेश पुलिस की एक जांच के अनुसार महंत को आखिरी बार सोमवार को दोपहर के भोजन के बाद अपने कमरे में जाते हुए देखा गया था, जिसके बाद वो शाम तक बाहर नहीं निकले। वहीं जब शाम को उनके शिष्यों ने दरवाजा खटखटाया तो जवाब नहीं मिला, जिसके बाद किसी अनहोनी के शक में जब उनके शिष्यों ने दरवाजा तोड़ा तो उन्होंने महंत नरेंद्र गिरी को छत से लटका पाया। जिस कमरे में महंत नरेंद्र गिरी ने अपनी वसीयत लिखी थी उसी कमरे से एक कथित हस्तलिखित सुसाइड नोट भी बरामद किया गया था, जिसमें कई लोगों के नाम लिखे हुए थे। उनकी मृत्यु के बाद एक बड़ा विवाद तब खड़ा हो गया जब संतों ने कथित सुसाइड नोट को फर्जी करार दिया और महंत की मौत को हत्या करार दिया। बता दें महंत नरेंद्र गिरी को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में 3 लोगों यानी कि आनंद गिरी, आद्य तिवारी और संदीप तिवारी को यूपी पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। वहीं अब मामले में सीबीआई की 5 सदस्यीय टीम भी प्रयागराज पहुंच चुकी है। आगे सीबीआई जांच करेगी इस पूरे मामले में। तो बता दें महंत नरेंद्र गिरी की मौत के मामले में अब सीबीआई जांच जो है वो शुरू हो चुकी है और ऐसे में सीबीआई की 5 सदस्यीय टीम प्रयागराज पहुंच चुकी है, जो इस मामले से जुड़े अब हर पहलू पे जांच करेगी। आगरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब स्वास्थ्य केंद्र में अचानक कहीं से एक विशालकाय अजगर आ गया, जिससे वहां मौजूद मरीज, तीमारदारों सहित अस्पताल स्टाफ में दहशत फैल गई और जिसके बाद कुछ लोगों की मदद से जैसे तैसे अजगर को पकड़ा गया। बता दें आगरा के फतेहगढ़ सीकरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कितना बड़ा ये अजगर है जो अस्पताल में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मिला, जिसके बाद वहां पर मौजूद मरीजों और लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। बाराबंकी के एक सरकारी स्कूल से जल भराव का वीडियो सामने आया है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि स्कूल में कई फीट पानी भरा हुआ है और बच्चे इसी पानी से होकर स्कूल जाने को मजबूर हैं। ऐसे में बच्चों में संक्रामक बीमारियां फैलने का खतरा भी लगातार बना हुआ है। पूरा मामला बाराबंकी के विकास खंड सिरौली गौसपुर की ग्राम पंचायत दुर्जनपुर के प्राथमिक विद्यालय बांकीपुर का है, जहां से एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि विद्यालय परिसर में करीब 3 फीट तक पानी भरा हुआ है और बच्चे इसी पानी से होकर स्कूल के अंदर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जानकारी के मुताबिक विद्यालय परिसर में ये पानी करीब 1 हफ्ते से भरा हुआ है। वहीं अधिकारियों के मुताबिक ये मामला उनके संज्ञान में आया है और जल्द ही समस्या का निदान किया जाएगा। तो बाराबंकी का ये पूरा मामला है। तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह से कई फीट तक पानी भरा हुआ है और छोटे छोटे बच्चे स्कूल पढ़ने के लिए पानी से होकर ही अपने स्कूल में पहुंचने को मजबूर हैं। क्या दिक्कतें होती है? पानी भरा हुआ है, कब से भरा हुआ, क्या दिक्कतें? बरसा रहा है खूब, तो वही में बरसा रहा है बस, खूब पानी भर गया। हम लोग जाते हैं तो कॉपी भीग जाते हैं, बस्ता भीग जाता है, गिर जाते हैं, ड्रेस भीग जाते हैं। फतेहपुर के धनसिंहपुर गांव के पास उस वक्त हड़कंप मच गया जब धान के खेत में एक अज्ञात युवती का शव पड़ा मिला। वहीं ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने युवती के शव के शिनाख्त कराने की कोशिश में जुट गई। ऐसे में ग्रामीणों के मुताबिक युवती की हत्या कर शव वहां फेंके जाने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच पड़ताल कर रही है। गाजीपुर थाना क्षेत्र के धनसिंहपुर गाँव के पास की पूरी घटना है। तो फतेहपुर का पूरा मामला है जहाँ पर खेत में अज्ञात युवती का शव मिला है। ग्रामीणों
तरुण ने जब युवती के शव को देखा तो पुलिस को इस पूरे मामले की जानकारी दी, जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची और अब इस शव के शिनाख्त की कोशिश की जा रही है और आगे की कार्रवाई करने में पुलिस जुट गई है। आगरा में तेज रफ्तार का कहर लगातार जारी है, जहां एक तेज रफ्तार अनियंत्रित कार ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। बता दें, हादसे में बाइक सवार युवक और युवती गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। आगरा के थाना ढोकी क्षेत्र के फतेहाबाद रोड की ये पूरी घटना है। तो आगरा में लगातार तेज रफ्तार का कहर देखा जा रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से बाइक को टक्कर मार दी तेज रफ्तार ट्रक ने, और ऐसे में बाइक पर सवार युवती और युवक बुरी तरह से घायल हो गए, जिन्हें मौके पर पहुंची पुलिस ने अस्पताल में भर्ती करा दिया है। तो आगरा का ये पूरा मामला है, जहां पर अनियंत्रित बस ने बाइक सवार युवक और युवती को टक्कर मार दी। तस्वीरें देख सकते हैं कितनी बुरी तरह से दोनों घायल हो गए। मौके पर जब पुलिस पहुंची तो पुलिस ने दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां दोनों का इलाज चल रहा है। बाराबंकी के एक मदरसे में परीक्षा में पास कराने और एब्सेंट को प्रेजेंट कराने के नाम पर परीक्षार्थियों से पैसे लेने का खेल सामने आया है। इतना ही नहीं, एक छात्र से मदरसे के प्रिंसिपल के सहयोगी द्वारा पैसे लेने का लाइव वीडियो भी कैमरे में कैद हुआ है, जो अब तेजी के साथ वायरल हो रहा है। वहीं इस मदरसे से सनसनीखेज वीडियो के सामने आने के बाद से विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों में हड़कंप मच गया है। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए मामले की जाँच के लिए कमेटी का गठन कर दिया गया है। बाराबंकी के दारुल उलूम पीरव टावन मदरसे का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बता दें, मदरसे से घूसखोरी का मामला सामने आया है। दरअसल वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ऑप्शन जो नहीं होता है उसके कितने पैसे लेते हैं? ऑप्शन कहाँ थे? नहीं नहीं थे, उससे उसके बावजूद कितने पैसे लिए जा रहे हैं? तो खर्चा पड़ेगा ही। क्या पड़ता है, किस चीज़ का पड़ता है ये तो बताइएगा। पास करने के लिए पास करने के लिए ऐसे अगर करेंगे नहीं तो हर बच्चा ऑब्सेंट ही हो जाएगा। कितने पैसे लिए जा रहे हैं? कितना पैसा लेते हैं? कुछ खर्चा तो पड़ेगा ही। नहीं तो कहाँ जमा होता है वो खर्चा, किसके खाते में जाता है ये तो बताइएगा। बगैर कितनी फीस है, कितने लेते हैं ये बताइए। कोई भी बच्चा पास हो जाएगा, अगर कोई बीमार है तो उसके उससे वो लेंगे, मेडिकल सर्टिफिकेट लेंगे या पैसे लेंगे? वो बीमार तो थे नहीं, वो आप कह रहे हैं आए नहीं। ले चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं ना पैसा लेके पास कर रहे हैं बच्चे। हाँ। पैसा लेके पास क्यों करेंगे भाई? एब्सेंट हैं आप, आपको फेल कर दिया जाएगा। अभी आपने पैसा लिया है ना? पैसा लिया तो उसके बेस्ट पर उनको पास किया जा रहा है। देखिए, मदरसा बोर्ड विगत 4-6 वर्षों से बहुत सुधार की दिशा में है और हम लोगों ने नकेल कसी है। हम लोगों की कोशिश है कि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी परीक्षाओं में ना बन पाए। जहाँ तक ये दारुल उलूम पीर बटावन के मदरसे में मौलाना मुजीब जो कार्यवाहक प्रधानाचार्य हैं, इनके द्वारा पैसे मांगे जाने का प्रश्न है, अभी आपके ही द्वारा इस वीडियो का संज्ञान मेरे जानकारी में आया है। तो मैं स्पष्ट तौर पर बता दूं कि इसमें भी मैं अपनी तरफ से कड़ी कार्रवाई करूंगा। मैं अभी प्रबंधक से बात कर रहा हूं और इनको पहले इनके पद से हटाया जाएगा। वो मेरा एग्ज़ाम जो छूट गया था, मुझे जो डेट मालूम नहीं थी, थोड़ी सी जो तबीयत बेकार थी तो इसलिए वहाँ नहीं पाए। मेडिकल जो बनवाया था तो उसके लिए जब आए यहाँ एग्ज़ाम देने तो बोले वो नहीं पाएगा, उसके लिए जो पैसे देना पड़ेगा 1000 रुपये। तो क्या किया आपने अभी? तो वो कह रहे थे कि अब ऐसे नहीं हो पाएगा आप, तो आप मेरे 1000 रुपये दीजिए। तो पैसे दिए आपने? जी, हमने जो है पैसे दिया, मुझे 700 रुपये। हम कोई जवाब नहीं देंगे।
आपके सामने आपके एम्प्लॉय पैसा ले रहे हैं? कोई एम्प्लॉय पैसा नहीं ले रहे। अभी है हमारे पास वीडियो है, साक्ष्य पूरा साक्ष्य है। ठीक है, आप इनकार करिए, वो बात अलग है। हम नहीं, हमने नहीं। ठीक है, और आपके ऑफिस में बैठा है वो आपके सामने को बोल रहा है किस तरह से, ये जो नंबर पर बैठा है पैन कर दो ये। चलिए ज्यादा जानकारी के साथ बाराबंकी से हमारे संवाददाता रविंद्र पटेल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविंद्र, क्या ये आखिर पूरा मामला है? जो मदरसा है पीरबटावन में, बाराबंकी जिले के पीरबटावन में मदरसा है, जहां से एक वीडियो घुस लेते हुए यहां पर एक कर्मचारी उसका वायरल हुआ है। जब इस बारे में अल्पसंख्यक अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने कहा है आपके द्वारा ये जो है वीडियो संज्ञान में आया है और जांच कर सख्त कार्रवाई की जाएगी, जो मिसाल बने। तो कहीं ना कहीं जरूर अधिकारियों ने इसका गंभीरता से संज्ञान लिया है। आपको बता दें पूरा मामला ये था कि ये बच्चा जो बीमार था और इसकी वजह से वो परीक्षा में नहीं बैठ पाया था। जब बीमारी से वो ठीक हुआ तो वो मदरसे पे गया और फिर बड़ी बात की तो वहां पर ये बताया गया कि आप 1000 रुपया दे दीजिए, आप ऑप्शन पे हैं, आपको प्रजन करके यहां पर परीक्षा दिला दी जाएगी, आपको पास करा दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जरूर यहां भ्रष्टाचार है और रुपये लेकर यहां पर जो है ऑप्शन को यहां प्रजन बताया जा रहा है और पैसे लेकर पूरा खेल चल रहा है, जिसका अधिकारियों ने संज्ञान लिया है। और यहां पर ये भी जिला जो अल्पसंख्यक अधिकारी हैं उन्होंने कहा है इस प्रिंसिपल को, जो ये प्रिंसिपल है जिसके सामने पूरा खेल चल रहा था, उसको हटाया जाएगा ताकि और मदरसे हैं जो वहां से कोई दिक्कत ना हो। 3 सालों से मदरसे से काफी स्थिति सुधर रही है और वो भी जो दिक्कतें हैं छोटी मोटी वो इतनी सख्त कार्रवाई की जाएगी ताकि और कहीं से दिक्कतें ना आए। जी बिल्कुल रविंद्र, और जिस तरह से इस मदरसे में परीक्षा में पास कराने और एब्सेंट को प्रेजेंट दिखाने के नाम पर जो पैसे लिए जा रहे थे, क्या इस तरह का मामला कोई पहले भी सामने आया है? देखिए अभी मदरसे से ऐसा वीडियो सामने नहीं आया था, इसी के चलते यहाँ पर अधिकारियों ने इसका संज्ञान लिया है, क्योंकि मदरसे से ऐसे फिलहाल इतनी जल्दी कोई मामले सामने से नहीं आते थे। ये पहला मामला सामने आया था और सामने आया है, इसको न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया टीम ने जो है अल्पसंख्यक अधिकारी से जो पूरी बात बताई और वीडियो दिखाया, उसके बाद यहाँ पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया को। जी बिल्कुल रविंद्र, जिस तरह से कहा गया है कि मामले की जांच पड़ताल करके आगे की कार्रवाई की जाएगी, लेकिन देखिए अक्सर देखा जाता है पुलिस मामलों में इसी तरह का बयान देती है कि कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अक्सर कार्रवाई होती नहीं है और इसके बाद फिर ऐसे मामले सामने आते हैं दोबारा से। देखिए इसमें पुलिस का अभी कोई रोल नहीं है और इसमें जिला अल्पसंख्यक अधिकारी हैं जो इस मदरसे की पूरी देखरेख करते हैं और ये अधिकारी होते हैं, इस मदरसे के अधिकारी होते हैं, विभागीय अधिकारी होते हैं। तो इस अधिकारी जो इन अल्पसंख्यक के अधिकारी द्वारा यहाँ पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं और कहीं ना कहीं अमल में लाया जाएगा और जो भी अपडेट होगी हम दर्शकों तक पहुँचाएंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर पुलिस की बात नहीं, अल्पसंख्यक अधिकारी की बात है, कहीं ना कहीं मानने वाली बात होगी क्योंकि यहाँ पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं, जिसके चलते वहाँ कुल मिला के ये है कि जरूर जो प्रधानाध्यापक हैं उन पर समस्या आनी तय है, निश्चित है। जी चलिए रविंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो बाराबंकी का ये पूरा मामला है जहां पर मदरसे से में घूस लेने का मामला सामने आया है, वीडियो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि इस तरह से परीक्षा में पास कराने के नाम पर और एब्सेंट को प्रेजेंट दिखाने के नाम पर परीक्षार्थियों से घूस ली जा रही है, ये तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं। हालांकि अब ये वीडियो किसी ने कैमरे में कैद कर लिया, जिसके बाद अब ये वीडियो काफ़ी तेज़ी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सिद्धार्थनगर से महिला से चेन स्नैचिंग का मामला सामने आया है, घटना जिला मुख्यालय के नीतू क्लिनिक का है, जहां बाइक सवार स्नैचर दवाई लेने के बहाने मेडिकल स्टोर पर पहुंचे थे और महिला से चेन खींचकर फरार हो गए। वहीं ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बता दें मेडिकल संचालक ने बताया कि बाइक सवार युवक पल्सर पर सवार होकर आए थे, साथ ही बता दें इससे पहले भी पल्सर सवार युवक शोहरतगढ़ थाना क्षेत्र में इस तरह की वारदात को अंजाम दे चुके हैं। सदर थाना क्षेत्र के हुसैनगंज के नीतू क्लिनिक का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर महिला से चेन स्नैचिंग का मामला सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर यह पूरी की पूरी घटना कैद हो गई है, जिसके आधार पर अब पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। लखनऊ के थप्पड़गढ़ का वीडियो सामने आने के बाद अब रामपुर से थप्पड़ बॉय का वीडियो सामने आया है, जहां एक ई रिक्शा चालक से अचानक रिक्शा रोकने के चलते हुए मामूली विवाद में एक युवक ने ई रिक्शा चालक को एक के बाद एक 11 थप्पड़ जड़ दिए, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बता दें रामपुर के थाना सिविल लाइन क्षेत्र स्थित रोडवेज के पास की पूरी घटना है, तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से ये युवक
जो है ई रिक्शा चालक को बुरी तरह से एक के बाद एक 11 थप्पड़ मार रहा है और ऐसे में ये युवक ई रिक्शा चालक को थप्पड़ मार रहा है। बता दें इससे पहले भी लखनऊ की एक थप्पड़ गर्ल का वीडियो इसी तरह से सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, अब ये वीडियो भी तेजी के साथ वायरल हो रहा है। मऊ में बीती रात एक युवक की कुछ लोगों ने बेरहमी से पिटाई कर दी और इस मारपीट में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। पूरा मामला दक्षिण टोला क्षेत्र के डोमनपुरा मोहल्ले के पास का है, जहाँ थाना सराय खंसी क्षेत्र निवासी 30 वर्षीय धर्मेंद्र यादव की बीती रात कुछ लोगों ने जमकर पिटाई कर दी और मामले में पुलिस अब जाँच पड़ताल कर रही है। तो मऊ का ये पूरा मामला है जहां पर युवक की बेरहमी से पिटाई की गई है, जिसके बाद पुलिस को इस पूरे मामले की सूचना दी गई। मौके पर जब पुलिस पहुंची तो पुलिस ने युवक को अस्पताल भर्ती कराया, साथ ही इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है पुलिस। तो इससे पहले बता दें आपको कि कुछ लोग थे जिन्होंने युवक को बेरहमी से पीटा और इस मारपीट में युवक बुरी तरह से गंभीर रूप से घायल हो गया है। साथ ही बता दें पूरा मामला थाना दक्षिण टोला क्षेत्र के डोमनपुरा मोहल्ले के पास का बताया जा रहा है। आठ साढ़े आठ बजे आजमगढ़ रोड है, वहाँ डोमनपुर स्टेट बैंक के पास की घटना है। तो धर्मेंद्र यादव जनाब लक्ष्मीराम रहने वाला खानपुर थाना सराय रखी का लड़का है, 25 से 30 साल के बीच का। उसको कुछ लोगों ने पिटाई कर दी है, उसके घर वाले कुछ और बात बता रहे हैं, मोहल्ले में कुछ और बात बता रहे हैं। उसकी जांच की जा रही है कि वास्तविक बात क्या थी, क्या करने आया था। उसके बाद नियमानुसार जिन लोगों ने मारपीट की है उनके खिलाफ़ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अगर उसने कोई गलत काम किया होगा तो उसके खिलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। गोंडा में चलती रोडवेज बस में दो सगे भाइयों ने शराब के नशे में जमकर उत्पात मचाया। इसके साथ ही शराब के नशे में दोनों भाइयों ने महिला यात्रियों से भी अभद्रता की। वहीं जब ड्राइवर द्वारा इसका विरोध किया गया तो दोनों भाइयों ने बस में तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया, जिसके बाद ड्राइवर ने पुलिस चौकी के सामने बस रोक कर दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया। इस दौरान दोनों भाई पुलिस के सामने ही लड़ने लगे और जमकर हंगामा करने लगे। वहीं हंगामे के चलते बस कई घंटों तक पुलिस चौकी के सामने खड़ी रही। वहीं जब बस कंडक्टर की तहरीर पर पुलिस ने दोनों भाइयों को अब हिरासत में ले लिया है। बता दें जिस वक्त ये घटना हुई उस वक्त बरेली डिपो के बस बढ़नी से दिल्ली जा रही थी और करनैलगंज कोतवाली क्षेत्र के बालपुर पुलिस चौकी का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तो गोंडा का यह पूरा मामला है जहां पर रोडवेज में दो भाइयों का साफ तौर पर उत्पात देखने को मिला। हालांकि बस में जो महिला सवारी मौजूद थी उनके साथ भी इन दोनों भाइयों ने शराब के नशे में अभद्रता की। हालांकि पुलिस ने अब इन दोनों भाइयों को कंडक्टर की तहरीर पर गिरफ्तार कर लिया है। मथुरा में वित्त मंत्रालय की सीजीएसटी टीम ने कारोबारी सुकेश बंसल और हेमंत बंसल के घर पर छापामार कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि वाणिज्य कर अधिकारियों की यह कार्रवाई टैक्स चोरी की शिकायत पर हुई और जांच के बाद की गई है। बता दें कि सीजीएसटी टीम देर शाम हेमंत बंसल के कृष्णा नगर स्थित आवास पर पहुंची और फर्म से जुड़े सभी दस्तावेजों को खंगाला। इस दौरान अधिकारियों ने घर में मौजूद सभी कर्मचारियों और फर्म से जुड़े लोगों से भी पूछताछ की। वहीं कुछ कर्मचारियों को पूछताछ के बाद टीम ने देर रात घर जाने की अनुमति दे दी, जबकि कुछ को वहीं रोके रखा। मामले में सामने आई जानकारी के अनुसार पहले भी कारोबारी के यहां पर वाणिज्य कर विभाग की छापेमारी कार्रवाई हो चुकी है। तो मथुरा का पूरा मामला है जहां पर टैक्स चोरी के आरोप में ये छापेमारी की गई है। कारोबारी के घर पर सीजीएसटी की टीम का छापा लगा है और ऐसे में जानकारी ये भी मिल रही है कि इस कारोबारी के घर पर इसे पहले भी छापा मारा जा चुका है।
प्रतापगढ़ में दो दिन पहले सड़क हादसे में अधेड़ के घायल होने पर लोगों ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन पुलिस ने जांच के बाद एफआईआर दर्ज करने की बात कहकर मामले को टाल दिया था। वहीं गुरुवार को इलाज के दौरान अधेड़ की मौत हो गई, जिससे आक्रोशित लोगों ने थाने का घेराव कर पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसके बाद पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई का आश्वासन दिया, तब जाकर लोग शांत हुए। बता दें, मानथाता निवासी राम आश्रय मंगलवार शाम बाजार सब्जी लेने जा रहे थे, तभी मुंशी दत्त इंटर कॉलेज के पास बाइक की टक्कर लगने से वो गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिसके बाद मानधाता अस्पताल से उन्हें प्रयागराज रेफर कर दिया गया था, जहां एसआरएन अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। वहीं बुजुर्ग की मौत की खबर आते ही मानधाता में लोग आक्रोशित हो उठे और थाने पहुंचकर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। इसके बाद मानधाता एसओ ने भीड़ को समझा बुझा कर शांत करा दिया। अमेठी में सड़क सुरक्षा सप्ताह का शुभारंभ कर दिया गया है, जहां अपर पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार पांडे ने हरी झंडी दिखाकर सड़क सुरक्षा वैन को रवाना कर दिया। बता दें, ये वैन सभी बाजारों, गली मोहल्ले और गांव में घूम घूम कर सड़क सुरक्षा के संबंध में आम जनमानस को जागरूक करेगी। साथ ही बता दें कि जिले के परिवहन विभाग और यातायात विभाग के द्वारा 24 से 30 सितम्बर तक सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। और इसी के साथ अपना उत्तर प्रदेश में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वॉल इंडिया।